क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार को उनके घर में घेरने की तैयारी कर ली है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता नीतीश कुमार के खिलाफ उन्हीं की जाति कुर्मी समाज से आने वाले आरसीपी सिंह को उम्मीदवार बनाने की ठान चुके हैं? इन सवालों के मुकम्मल जवाब तो किसी के पास नहीं, लेकिन पटना से आई एक तस्वीर ने इसका इशारा जरूर कर दिया है। बिहार बीजेपी कार्यालय में आरसीपी सिंह के स्वागत ने इशारा कर दिया कि पार्टी ने नीतीश कुमार को घर में घेरने के लिए उन्हीं की जाति का एक नेता ढूंढ लिया है। हालांकि आरसीपी सिंह ने बीजेपी की सदस्यता कई दिन पहले ही ले ली थी, लेकिन पहली बार जब वो पार्टी दफ्तर आए तो सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। स्वागत से गदगद आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला किया। नीतीश कुमार को पलटी मार के साथ पर्यटक भी बता दिया। नीतीश कुमार जी खत्म हो चुके हैं, उनका बिल्कुल समाप्त हो चुका है। मैंने बताया ना कि भाई वो प्रधानमंत्री थोड़े बने, वो बन गए हैं पर्यटक मुख्यमंत्री। पूरे प्रदेशों में घूम रहे हैं, पर्यटन के रूप में जा रहे हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीजेपी बिहार में पिछड़ों, दलितों और ओबीसी जातियों की राजनीति करना चाहती है। सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा की कमान सौंपना इसी रणनीति का हिस्सा है। इसी क्रम में आरसीपी सिंह पिछड़ी, कुर्मी, कोयरी जातियों के बीच उसके चेहरे के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। आरसीपी सिंह का साथ मिलने से बीजेपी नेता काफी उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी को रामचंद्र बाबू का समर्थन मिला है। उनकी पूरी टीम का हम स्वागत करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आपके सहयोग से मजबूत होगी और 24 और 25 के चुनाव के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार होंगे। नीतीश कुमार के बारे में कहावत प्रचलित है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको ठगा नहीं है। और रामचंद्र बाबू, आपने उनको अपमानित किया, बेइज्जत किया, आपने आरोप लगाया। जिनको भी हटाना होता है तो आरोप लगाते हैं, ये दंगाई है, ये बीजेपी से मिल गया, ये बीजेपी का एजेंट है। अगर 20 साल 25 साल तक रामचंद्र बाबू आपके साथ है, आपको पता नहीं चला कि ये किसके एजेंट है। माना ये भी जा रहा है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को दोबारा साथ लाने की रणनीति पर काम कर रही है। इससे वो 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के सामने मजबूत चुनौती पेश कर सकेगी। लेकिन जेडीयू की माने तो अब आरसीपी एक फूके हुए कारतूस है जिनका कोई जनाधार नहीं। केवल सीबीआई और ईडी के डर से आरसीपी ने बीजेपी का दामन थामा है। चतुर्दशी दिन, अशुभ दिन और भारतीय जनता पार्टी में गृह प्रवेश बगैर जेड कैटेगरी के, यह एक चिंता का विषय है। साथ ही साथ दावा यह था कि जनता दलियों को खत्म कर देंगे, और सच्चाई है कि पंचायत का, उनके गृह पंचायत के पंचायत अध्यक्ष संजीत महतो भी उनके साथ जाना मंजूर नहीं। और सीबीआई इनकम टैक्स के भय से आरसीपी सिंह भाजपा के शरण में चले गए, चूँकि इन्होंने संपत्ति राजनीति में अर्जित किया जिसका खुलासा मीडिया ने पहले के दिनों में किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे छूटे हुए कारतूस जिनका कि अपने गांव में भी जनाधार नहीं है, उनके अगर प्रभाव में आकर करके अगर सत्ता परिवर्तन की बात सोच रहा है, तो हम समझते हैं कि दिन में ही इस सूर्य को दीपक दिखाना है।